आज अलग कंटेंट है गाइस, वो ही ले आएंगे। आज है हम रिएक्ट करेंगे फनीएस्ट किड्स आंसर पे, ठीक है? अरे हाँ भाई हाँ, ठीक है। और इसमें मेरा अभी रिसेंटली स्कूल में फंक्शन हुआ था तो वो भी होगा, सब मजे करेंगे। और वो मैं अभी दिखाऊँ क्या? चलो अभी ही दिखाते हैं। चलो और यार तुम्हें लगे इधर की, चलिए शुरू करते हैं यार का पार्टी। लाइक अबे मैं दिख भी नहीं रहा यार इसमें, देखो ये देखो गाइस, ये मैं वहां पे नाच रहा हूँ सबसे कोने में, दिख भी नहीं रहा यार मैं। गाइस स्कूल को भी नहीं छोड़ रहा कंटेंट के लिए, ठीक है? देखो ये रहा मैं, अबे दिख भी नहीं रहा होगा मैं, अबे जूम हो जा। चलो मैं देख तो जूम करने की ट्राई करूंगा, मुझे जुकाम हो रहा है यार। चलो चलो चलो, बहुत क्रिंज हो गया। सो गाइस ये हमारी फोटो, लाइक ये जो बीच में दिख रहा है, इट्स सो इजी है, पता ही होगा ये आपको, क्यों पता होगा आपको, देखता भी नहीं हो वो। इट्स सो इजी है, आदर्श है, वो मेरा फ्रेंड है, सब यार फ्रेंड यू नो। और मैं ये रहा दिख ही रहा हूँ आपको, लाइक हम रावण की सेना बने थे, राम की सेना नहीं बने यार। चलो चलो अब यार वीडियो पे चलते थे, बहुत क्रिंज हो गया यार। जाने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना इस वीडियो पे, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसके उलट इसने लिख। तो गाइस पहला है रामचंद्र, आई मीन क्या बोलो, रामनवमी क्या होती है? इस दिन श्री रामचंद्र आठवीं क्लास पास करके नवमी क्लास में आए थे। जी डाला, किस दिन भगवान श्री राम आठवीं क्लास पास करके नौवीं क्लास में आए थे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इसके चलते इसे 10 में से 0 नंबर ही मिलेंगे। माना छात्र मासूम था, पर मेरी उन व्यूवर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को घर पर धार्मिक ज्ञान जरूर दे ताकि उनसे ऐसी गलती ना हो सके। अब आप जो आंसर्स देखेंगे ना, उन्हें देखकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आजकल के स्टूडेंट्स कितने बड़े कलाकार होते हैं। जब हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 1896 में क्या खत्म हुआ था, तब एक छात्र ने आंसर में लिख दिया कि 1896 में 1895 खत्म हुआ। 1885। बात तो वैसे सही की है इसने, पर दिक्कत सिर्फ ये है कि इसे हिस्ट्री की बुक के हिसाब से आंसर देना था, ना कि अपने खुराफाती दिमाग से। इतना ही नहीं, इस छात्र ने जब मैथ के एग्जाम में एक्स फाइंड करने को बोला गया, तब इसने क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हुए पहले से दी हुई फिगर में ही एक्स की वैल्यू मार्क कर दी और बड़े स्टाइल में लिख दिया हेरिटेज। यार कुछ भी कहो, ऐसे आंसर देख के मजा जरूर आता है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है। टेस्ट में मोटरसाइकिल का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया, लेकिन इस होनहार छात्र को तो मोटरसाइकिल का सही डायग्राम बनाना आता नहीं था, इसलिए इसने आंसर में एक साइकिल ड्रॉ की जिसके ऊपर स्टूडेंट था और उसके साथ बादल से बारिश होते हुए बना डाली, जो वैसे तो सही था पर ड्रॉइंग के एग्जाम के पर्पज से, ना कि साइंस के एग्जाम के पर्पज से। वाकई में ये छात्र मोदी जी वाला तेजस्वी है, मानना पड़ेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब मैं आपको जो खुराफाती आंसर दिखाने जा रहा हूँ ना, उसे देखकर आपको सच में बहुत ज्यादा हंसी आएगी। एग्जाम था मैथ्स का और क्वेश्चन आया था बहुत ज्यादा टफ, जिसके चलते हमारे खुराफाती और चालाक बच्चे ने अपना दिमाग लगाया और आंसर में सीधा लिख दिया कि जीसस इज ऑलवेज द आंसर। वैसे बात तो सही है इस बच्चे ने, पर टीचर को ये आंसर पसंद नहीं आया और उन्होंने भी अपने अंदाज में -5 नंबर देते हुए लिख दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर जीसस नहीं है जी। देखो आपके ओके, लंबी बन चुकी है वीडियो, आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है? वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। सो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा अगली वीडियो पे, और मोंटाज पता नहीं डाला भी होगा, अगर डाला होगा तो देख लेना, नहीं डाला होगा तो मत देखना, मुझे नहीं पता, बट होपफुली मैं इस वीडियो से पहले मोंटाज डाल दूंगा, कुछ नहीं पता बट। सो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
Till that, take care, stay safe. Bye-bye. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ओके चलो चलो चलो।